नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, इसके क्वार्टरली नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं, तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो भी बुक्स अवेलेबल होंगी हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप फ्री बुक्स लेना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें वहाँ पे पर्सनली मैसेज करके कोई भी बुक जो हमारे पास अवेलेबल होगी आप हमसे मांग सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके इंट्राडे चार्ट से। आप देख सकते हो ओपनिंग होती है 293 पे, उसके बाद आप गिरावट देख सकते हो और इसको जो क्लोजिंग मिलती है वो मिलती है 284 पे। अगर मैं बात करूं दोस्तों गिरावट की, तो 3.06% की गिरावट है, लगभग 8.95 रुपये डाउन है। तो अगर मैं 5 दिन की बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो गिरावट है वो भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गिरावट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 5 दिन की, मात्र 5 दिन में लगभग 11% से भी ज़्यादा ये जो है वो गिर चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 महीने की, तो वो भी आप देख सकते हो इसमें भी 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी, वो डेफिनेटली आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1 मंथ की, तो लगभग 10.04% जो है ये गिरा हुआ है। तो 1 मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 6 महीने की, तो वहाँ भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पिटा हुआ। अगर मैं बात करूं 6 महीने की, तो आप गिरावट जो है वो देख सकते हैं, लगभग ये स्टॉक जो है वो 2.86% गिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं 6 महीने में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, अगर आप कंपेयर करोगे 5 दिन और 1 महीने के साथ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1 साल की, तो गिरावट देखोगे तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गिरावट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 साल की, तो ये स्टॉक जो है वो लगभग 31.05% जो है वो करेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 5 साल की, वो देख रहे हैं 5 साल का चार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही तो रैली शुरू हुई थी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 2015 की, तो ये स्टॉक जो है वो मात्र 88.35 पे ट्रेड करता था। उसके बाद दोस्तों इसने जो रैली दिखाई थी, चाहे मैं HEG की बात करूं या फिर ग्रेफाइट इंडिया की, दोनों स्टॉक्स ने जो है वो कमाल की रैली दिखाई थी, शानदार रैली दिखाई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी रैली की, तो आप देख सकते हो इसने जो रिटर्न्स कमा के दिए थे दोस्तों 2015 से लेके 10 अगस्त 2018 तक, तो क्या शानदार इसने जो है वो आपको रिटर्न्स कमा के दिए थे। और जो रिटर्न्स हैं वो आप देख सकते हो 1,152.91% के रिटर्न्स कमा के दिए थे। तो शानदार रिटर्न्स जो हैं वो कमा के दिए हैं। अगर वहीं से मैं बात करूं गिरावट की, तो दोस्तों ये स्टॉक जो है वो लगभग 74.34% की गिरावट दिखा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी स्टॉक की, तो अगर आपने इसे 2018 के आसपास लिया होता, 17 अगस्त के आसपास, तो आज आपका पैसा जो है वो छोटा मोटा ही रह गया होता। अगर 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपके पास जो पैसा बचा होता वो आई थिंक 24-25 हज़ार ही बचा होता। तो ये चीज़ें होती हैं आपको सीखने वाली, कि जब कोई स्टॉक इस तरह बढ़ता है तो पिटाई जो है वो जायज़ होती है। इसमें भी जो है वो कारण मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। पहले मैं इसका ट्रेड देखना चाहूँगा, उसके बाद मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके ट्रेड से, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो इसका ट्रेड देखते हैं। आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग, आप देख सकते हो 292.95 है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ ओपनिंग की, तो ये दिखा रहा है 292.95। अगर मैं बात करूँ हाई की, तो दोस्तों ये बनाता है 294.40 का। अगर मैं बात करूँ दोस्तों लो की, तो ये बनाता है 275.70। एडजस्टेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ये बनाता है 283.10 का, इसको जो क्लोजिंग मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो 18,92,032 शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 20.33% की जो है वो डिलीवरी उठाई जाती है, लगभग 3,84,687 शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी पे उठाए जाते हैं। 20% के आसपास जो है वो डिलीवरी उठाई गई है, इतनी खास जो है वो डिलीवरी नहीं है। अगर मैं बात करूँ 52-वीक लो, तो ये बनाता है 255.10 का, कितनी तारीख को, 9 अक्टूबर 2019 को। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों 52-वीक हाई, तो ये इसने बनाया है 482.40 का 12 मार्च 2019 को। तो गिरावट जो है वो आपके सामने है, बहुत ज़्यादा पिट चुका है। चाहे मैं बात करूं ग्रेफाइट इंडिया की, चाहे मैं बात करूं दोस्तों
जी की, तो दोनों स्टॉक्स में जो है वो गिरावट है। अभी मैंने जो है वो डिस्कस कर लिया है आपके साथ इसका चार्ट और इसका ट्रेड। अभी देखते हैं कि इसमें जो इसके क्वार्टरली नतीजे हैं वो कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं क्वार्टरली नतीजों पे आ चुका हूँ, तो दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपके साथ क्वार्टरली नतीजे जो हैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला तो है नहीं। तो मैं मेन चीज़ों पर आऊँगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ये Q3 में है 686 करोड़, और अगर मैं बात करूं दोस्तों Q2 में तो ये था 933 करोड़, और अगर मैं बात करूं दोस्तों गिरावट की तो 26.47% की गिरावट है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो इन्होंने Q3 में दोस्तों प्रॉफिट नहीं दिखाया है, इन्होंने उल्टा लॉस दिखाया है। 353 करोड़ का इन्होंने नेट लॉस दिखाया है। और अगर मैं बात करूँ Q2 फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया था वो दिखाया था 185 करोड़ का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिरावट की, तो वहाँ से आप गिरावट देख सकते हो, -290.81% की गिरावट है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों ईपीएस, तो ईपीएस जो है इनका बेकार से भी बेकार चल रहा है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों Q2 में तो ये 9.51 था, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों Q3 की यानी कि अभी के क्वार्टर की, तो दोस्तों ये माइनस में है 18.08। तो ईपीएस कहाँ से कहाँ गिर चुका है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिरावट की, तो -290.12% की गिरावट है। तो अभी कंपेयर करते हैं दोस्तों Q3 फाइनेंशियल ईयर 1920 और 1819 की। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों टोटल इनकम की, तो ये है दिखाता है 8686 करोड़ जो इस क्वार्टर में है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों Q3 फाइनेंशियल ईयर 1819 की, तो 1921 करोड़ था। तो कंपैरिजन आप कर सकते हो इनकम का, कहाँ पे अभी है और पहले कहाँ पे था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों परसेंटेज की, तो -64.29% का गिरावट है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो ये तो आपको मैंने बता दिया है कि इन्होंने जो है वो लॉस दिखाया है 353 करोड़ का। तो इसमें आपको पता है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों Q3 फाइनेंशियली 1819 का, तो इसने जो लॉस दिखाया था वो प्रॉफिट दिखाया था वो दिखाया था 764 करोड़ का। लगभग अगर मैं बात करूँ गिरावट की, तो -146.2% की गिरावट है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ईपीएस का, तो उसमें आप गिरावट देख सकते हो, 146.23% का गिरावट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ईपीएस का Q3 में, तो ये आप देख सकते हो नेगेटिव में है, लगभग 18.08 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों Q3 फाइनेंशियल ईयर 1819, तो इसमें जो ईपीएस था ये था 39.11। तो ये आप देख सकते हो गिरावट बहुत ही ज़्यादा है। अभी मेन बात आती है कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी जो है वो आपको नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जिसकी इस तरह से पिटाई चल रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इसमें भी रिस्क ले सकें उसमें भी रिस्क ले सकें। आपको ऐसे स्टॉक चुनने हैं जो रिस्क फ्री हैं और जो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका बिजनेस जो है वो आसानी से समझ आ जाता है। और दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप आसानी से समझ पाओ, उनका जो बिजनेस है वो बाहर का ज़्यादा बिजनेस है, आपको आसानी से जो है वो समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ चाइना से, इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, हालांकि ये फ़ायदे में है अभी, क्योंकि इनका जो कंपटीशन था चाइना से, आप जानते हो चाइना की हालत जो अभी चल रही है, तो डेफिनेटली जो है इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। बट एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें वहीं खेलना चाहिए जहाँ पे सेफ है। अगर आप फिर भी इस स्टॉक में रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको चलना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 300 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप 15% जो है वो लॉस बुक कर सकते हैं, तो आपको 15% का ही स्टॉप लॉस लगाना है। प्रॉफिट आपकी मर्जी है कितना ज्यादा बुक करना चाहते हैं। अगर फायदा होता है चाइना के कोरोना वायरस से इनको, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। बट मेरा एक ही मानना है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमें अपना पैसा कहीं पे फंसाना चाहिए। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है चाइना से अभी इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट चाइना जैसे ही बैक इन गेम आएगा, तो वो आपको, आप जानते हो चाइना जो है वो स्टील जो है वो
ऐसे डंप करता है जैसे पता नहीं कितना बनाता है, बहुत हद से ज़्यादा स्टील बनाता है। तो अगर कोई स्टील 10 रुपए की मिल रही है, आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई स्टील 10 रुपए की मिल रही है तो आपको देसी कंपनियां जो है वो 15 रुपए की बेच रही है, तो आप डेफिनेटली 10 वाली ही खरीदोगे। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रहा है, आपको ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे को 5 रुपये उससे कम देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, छोटा मोटा फ़ायदा अभी ज़रूर हो सकता है, हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टर्म भी फ़ायदा हो, बट रिस्क तो आपको रहेगा, ये आप लेके चलिए। आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो प्रॉफिट सुधार सकती है, चाहे मैं बात करूं HEG की, चाहे मैं बात करूं ग्रेफाइट इंडिया की। अभी आपको एक ही चीज़ करनी है, या अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं आपको बता दिया कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही आपको इसमें फॉलो करना है। अगर आप जो है वो इसमें निवेश नहीं करना चाहते तो आपका बिल्कुल सही फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और एक ही आप बात आपको बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।